आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 1989 में आई फिल्म बंटवारा की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म बंटवारा की शूटिंग राजस्थान की राजधानी जयपुर की महारकला में शूटिंग। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आमेर के युवराज कुंभा जी के पुत्र उदय करण जी ने महार गाँव को बसाया था। युवराज कुंभा जी के वंशज कुंभावत कछुआहा कहलाते थे। आज़ादी के पूर्व महार कुंभावत कछुआओं का प्रमुख ठिकाना रहा। वर्तमान में महारकला के नाम से जाने जाने वाला यह गांव जयपुर से 42 किलोमीटर और चोमू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आमेर के युवराज कुंभाजी विक्रम संवत 1545 में अमरसर की रक्षार्थ सुल्तान बहलोल लोधी की सेना से युद्ध करते हुए जुझार हो गए। जब वे अमरसर की सहायतार्थ सेना लेकर जा रहे थे तब खेत में काम कर रही गुज्जर जाति की महिला ने अपने पति से कहा, हमारा राजा कितना बेवकूफ़ है, परिवार के सभी सदस्यों को युद्ध में भेज दिया। शकुन जानने वाले उस महिला ने आगे कहा कि इस युद्ध में राजा की विजय तो होगी पर सेना में शामिल उसके सभी पारिवारिक सदस्य शहीद होंगे। उसकी यह बात एक सैनिक ने सुनी और युवराज को बताई। तब युवराज कुंभाजी ने अपने छोटे पृथ्वीराज व अपने पुत्र उदय करण को वापस आमेर भेज दिया और भाई से वचन लिया कि मेरी मृत्यु के बाद आमेर का आधा राज्य मेरे पुत्र को देगा। उस युद्ध में आमेर की सेना विजय भी हुई पर कुंभाजी काम आए। कुंभाजी के पिता आमेर नरेश चंद्र सेन जी ने कुंभाजी के पुत्र उदय करण जी को बरवाड़ा की जागीर दी। चूंकि बरवाड़ा पहले शेखावतों के पास था और दो ही पीढ़ी उनके पास रहा, अतः उदय करण जी ने बरवाड़ा में रहना शुभ नहीं समझकर अरावली की तलटी में इस गाँव को बसाया। यह गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ तलटी में स्थित है जिसे महरकला गांव के नाम से भी जाना जाता है जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। इस गांव के अंदर आज भी प्राचीन धरोहर स्थित है। जयपुर शहर के भी 133 साल पहले बसा है चोमू शहर। आज जयपुर की चकाचौंध के आगे फीका नजर आता है क्योंकि जयपुर और चोमू शहर का विकास अलग तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी चोमू राजस्थान में राजा महाराजाओं के इतिहास और चोमू का किला, चोमू के मंदिर, चोमू के दुर्ग आदि के कारण पूरे राजस्थान में अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए फेमस है। चोमू का किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है जो कि चोमूहागढ़ कहलाता है, जिसके चारों ओर बसा होने से ये कस्बा चोमू कहलाता है। चोमू का किला जमीन पर बना हुआ है जो कि सुदृढ़ और विशाल है। चोमू का यह दुर्ग जमीन पर बना होने के कारण भूमि गुर्ग की श्रेणी में आता है। यह किला दुर्ग अपनी प्राचीन सुदृढ़ और विस्तार गरी खाई आलीशान महल व अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण इसका जागीरी ठिकानों के किलों में महत्वपूर्ण स्थान। इस किले में बहुत ही महल बने हुए हैं जिनमें से कुछ खास प्रकार है, कृष्ण निवास, रतन निवास, शीश महल, मोती महल तथा देवी निवास आदि चर्चित महल हैं। चोमू किले में बना महल शिल्प और स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इन महलों में ढूंढार शैली के प्रतिनिधित्व सजीव और कलात्मक भित्तिचित्र बने हुए। चोमू किले में बने महलों में देवी निवास तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल की प्रकृति प्रतिकृति जैसा प्रतीत होता है। गणेश मंदिर चोमू, यह चोमू का सबसे प्राचीन मंदिर जो कि चोमू किले के पास ही बना हुआ है। इस मंदिर में रोजाना भक्त भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर में बुधवार के दिन तो भक्तों की भीड़ बहुत अधिक होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मेले का आयोजन हो। चोमूगढ़ के मंगल पोल पर बना गणेश जी का मंदिर एवं हाथियों के थान के पास सोहनलाल जी का मंदिर व किले के सामने सीताराम जी का मंदिर भी स्थित है। इस पैलेस को होटल महाराजा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है जो चोमू सामाद में स्थित है। यह होटल एक बहुत ही खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसमें सारी सुविधाएं मिल जाती है जो चोमू जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन महारकला गांव में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें गांव वाले इस गली से भागते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देख के सामने जो मकान नजर आ रहा है, इस मकान के गेट और विंडोज को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा
शाम ने जो पहाड़ है इसे और इस कॉर्नर को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन महारगला गांव में इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो महारगला गांव की जो लोकेशन है वो इस महारगला गांव के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ स्थित हैं और इन पहाड़ों की तलवटी में स्थित यह गांव महारगला के नाम से जाना जाता है। इस गांव के अंदर ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग हुई है और होती भी रहती है, जैसे करण अर्जुन, इतिहास, काफ़ी फिल्मों की बंटवारा, बंजारन जैसी काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्मों की शूटिंग हुई है। एंड इस गांव यह गांव जयपुर से 45 और चौमू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव महारगला के नाम से भी जाना जाता है, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन महारगला गांव में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें जूनियर आर्टिस्ट आपस में फाइट करते हुए नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देख के इस पेड़ को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेड़ के जो चारों तरफ गोल फर्श बना हुआ है इसे और इसके अलावा इन मकानों को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन महारगला गांव में इसी जगह पर शूट किया जाता है। महारगला गांव की जो बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। अरावली की तलटी में स्थित यह गांव महारगला के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में ज़्यादातर फिल्मों जैसे इतिहास, करण अर्जुन, बंटवारा, बंजारन आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यह गांव ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग के लिए ही जाना जाता है। जयपुर से 45 और चौमू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गाँव महारगला के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन महारगला गांव में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना पंचायत में आते हुए नज़र आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देख के सामने जो मकान नज़र आ रहा है, इस मकान के इस गेट को, इसके अलावा जो इस पेड़ को और ये जो विंडोज़ बनी हुई है इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन महारगला गांव में इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो महारगला गांव की जो लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। यह महारगला गांव जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन महारगला गांव में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें गांव वाले मिलकर धर्मेंद्र पर पत्थर बरसाते हुए नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस जो सामने भवन बना हुआ है, इस भवन का ये गेट है, इस गेट को और इन विंडोज़ को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेड़ की टहनियों को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन महारगला गांव में इसी जगह पर शूट किया जाता है। यह महारगला गांव चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ
एक छोटा सा गांव है जो महरगला के नाम से जाना जाता है। इस गांव में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। यह गांव फिल्मों की शूटिंग के लिए फेमस है। जयपुर से 45 और चौमू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव महरगला के नाम से भी जाना जाता है, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन महरगला गांव में इस जगह पर शूट किया जाता है। जब यहां पे पंचायत होती रहती है तो विनोद खन्ना सोते हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो पेड़ है इस पेड़ को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो मकान नज़र आ रहे हैं इन मकानों को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन महरगला गाँव में इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो महरगला गाँव की बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। अरावली की पहाड़ियों में बसा यह गांव महरगला के नाम से जाना जाता है। इस गांव में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जैसे करण अर्जुन, इतिहास, बंजारन, बंटवारा, गर्व आदि फिल्मों की शूटिंग हुई। यह गांव जयपुर से 45 और चौमू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव महरगला के नाम से भी जाना जाता है, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये था फिल्म बंटवारा की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।